हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्वेश्चन से। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लैंड ऑन द फ्लोर। व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट। हमें एरिया किसका निकालना है जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ। लेंथ हमें कितनी गिवन है 5 मीटर, वाइड कितनी है 4 मीटर। एरिया ऑफ फ्लोर एल इंटू बी, 5 मल्टीप्लाई 4 मीटर 20 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 3 मीटर हमें गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 मीटर अपॉन 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर बाय द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 20 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ कारपेट 9 स्क्वायर मीटर माइनस करके 11 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ द साइड 1 मीटर एर आर डग एंड ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। लेंथ कितनी हमें 5 मीटर, वाइड कितनी है 4 मीटर। एरिया ऑफ लैंड एल इंटू बी, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर फ्लोर ब्रेड ईच ऑफ द साइड इज इक्वल टू 1 मीटर। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर ब्रेड इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ये भी हमें गिवन है 1 मीटर। 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ द साइड 5 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड। हमें A का एरिया पता लग गया तो हम 5 का कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर मीटर 5 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड 5 एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ द साइड फ्रॉम 120 स्क्वायर मीटर माइनस 5 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर। 10th क्वेश्चन। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ये कैसे आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी पार्ट। एरिया कैसे आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर मीटर। 11th क्वेश्चन। स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। एल कितनी है हमारी 10 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज ये हमारी लेंथ है, ये क्या है हमारी ब्रेथ। 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 2 20 प्लस 20 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट।
एरिया क्या आ जाएगा, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7. ये कैसे आया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. और बीच वाले हमें क्या करने हैं, छोड़ देने हैं. हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी. L हमारी ये है, ब्रेड्थ हमारी ये है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 49 + 49 + 49 + 49 + 49 = 245 square centimeter. नेक्स्ट पार्ट, एरिया क्या आ जाएगा हमारा, 4 × 1 and 1 × 5. 4 + 5 = 9 square centimeter. 12th question, how many tails those length and breadth are 12 centimeter. लेंथ हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है हमारी, 5 सेंटीमीटर. रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगल रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली. लेंथ क्या है हमारे पास ए पार्ट में 100 एंड ब्रेथ क्या है 144 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी, 100 × 144, 144 square meter centimeter. One tail of rectangle 12 centimeter, one tail of breadth 5 centimeter. Area of one tail का क्या आ जाएगा, 5 × 12 = 60 square centimeter. नंबर ऑफ टैल्स रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन वन टैल ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आया था, 14400 अपॉन वन टैल का क्या आया था, 60 square centimeter. स्केयर सेंटीमीटर से ये कैंसल, 60 को इससे डिवाइड किया तो 240 tails. ऐसे ही बी पार्ट है, 70 centimeter and 36 centimeter. एरिया ऑफ लेंथ 70 centimeter, ब्रेथ क्या हमारी 36 centimeter. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 70 × 36 = 2520 square centimeter. एरिया ऑफ वन टैल का कितना था, 12 centimeter. ब्रेथ कितनी थी, 5 centimeter. एरिया ऑफ वन टैल 5 × 12 = 5 = 60 square centimeter. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैल्स रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ वन टैल, 2520 upon 60, 42 tails. I hope you like my video. Please like, subscribe my channel. Thank you.